पिछला साल हम श्री विधि से धान की खेती करने रही। हम परंपरागत विधि छोड़ी के श्री विधि से खेती करे के लिए चिंतित रही, कहने की श्री विधि से खेती करे के लिए ज्यादा मजदूर की आवश्यकता पड़े। यही लिए खेत के एक कोना में श्री विधि से धान खेती करे के लिए निर्णय लिए। श्री विधि से धान बीज उपचार करे में कोई मजदूर खर्च नहीं लगे, कहने की अपना घर में ही 10 से 15 मिनट में हम अपने से कर रहे थे। अगर हम एक कट्ठा के बात करे छे तो श्री विधि से नर्सरी बेड बनाने में आधा दिन के मजदूर बेसी लगे छे, और श्री विधि से धान के रोपाई करे में एक दिन के मजदूरा ज्यादा लगे छे। लेकिन श्री विधि से धान के निकोनी करे में आधा दिन के मजदूरा कम लगे छे। कुल मिला के परंपरागत विधि से श्री विधि में एक दिन के मजदूर ज्यादा लगे छे। लेकिन हमारा 50 किलो धान अधिक होले, लेकिन हमारा 10 रुपया किलो दर से 500 के मुनाफा होले। यही मुनाफा चलते एक दिन के मजदूर ज्यादा लगावे के लिए तैयार छी, और हम इस साल भी श्री विधि धान खेती करब। जब हम श्री विधि धान खेती करे ले शुरू कर लिए, हमरा लगले श्री विधि और परंपरागत विधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं छे। हमरा सब जानकारी देवे में वीआरपी भैया बहुत मददगार भेले। हमें समय समय पर वीआरपी भैया से सवाल पूछ ली, और ओकरो देलो हुए जानकारी हमरा बहुत मददगार भेले। हमरा परंपरागत विधि से श्री विधि में ज्यादा उपज भेले, और हम श्री विधि से धान खेती करे के लिए सक्षम छे। और इस साल हम श्री विधि से धान खेती करबे, और दूसरो दीदी के श्री विधि से खेती करे के लिए प्रोत्साहित करबे।